नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक राठौर, आयुर्वेदिक फिजिशियन। मैं पिछले 18 सालों से आयुर्वेद की पद्धति में चिकित्सा कर रहा हूँ। आज कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। स्वागत है आपका हमारे हेल्थ प्लस चैनल पे। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में कुछ जिज्ञासा सी होती है, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ र्यूमर्स होते हैं। जिन सवालों का वो जवाब पूछना चाहते हैं उनके उनको सही तरीके से जवाब नहीं मिल पाते। आज मैं आपके सामने इसीलिए हूँ कि जो लोगों की कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ र्यूमर्स हैं, उनका सही जवाब दे सकूँ। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और जहाँ तक मुझे लगता है कि 30-40% जो नौजवान हैं वो इसी सवाल के बीच में घिरे हुए हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे शायद आप में अपना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। देखिए, ये जो यौन समस्याएं होती हैं, इसके अगर हम शारीरिक रूप से देखें और मानसिक रूप से देखें तो इसके दो कारण होते हैं। फिजियोलॉजिकल कारण, मतलब फिजिकल कारण, जिसे हम शारीरिक कारण कहते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल कारण, जिसे मानसिक कारण कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति में कोई भी शारीरिक कमी है, कोई भी कमी हो, जैसे हॉर्मोन्स की कमी होना, ब्लड फ्लो सही नहीं होना, और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण वो रिलेशन नहीं बना पाता। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि मानसिक कारण, जैसे कॉन्फिडेंस की कमी होना या स्ट्रेस एंजाइटी ज़्यादा होना, जब तक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो यौन संबंध नहीं बना पाएगा और उस पल को वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर किसी में कोई शारीरिक कमी है तो वो दवाइयों से ठीक हो सकती है, मगर मानसिक कमी, जैसे आत्मविश्वास की कमी होना, वो दवाइयों से ठीक नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग शादी भी नहीं कर पाते, ना करना चाहते हैं, और कुछ लोग शादी करने के बाद भी संबंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, उनका आत्मविश्वास इतना कम होता है, उनको लगता है कि वो शायद शारीरिक संबंध नहीं बना पाएंगे, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो अपने को पूर्ण रूप से असक्षम मानने लगते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, जिसके कारण उनका जो एक एक्साइटमेंट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो स्ट्रेस में रहने लगते हैं, उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उनके अंदर जो एक्साइटमेंट होता है जिसके कारण इरेक्शन होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उनका उत्साह ख़त्म हो जाता है सेक्सुअल लाइफ के लिए। तो ये जो मानसिक तनाव है, ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में। इसी के कारण लोग हताशा हैं, संबंध बनाने की बात पर उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, उसी डर के कारण वो संबंध नहीं बना पाते हैं, और वही यौन समस्या का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप में कोई शारीरिक कमी है तो वो दवाइयों से ठीक हो सकती है, मगर कॉन्फिडेंस की कमी या आत्मविश्वास की कमी है वो दवाइयों से ठीक नहीं होगी। उसके लिए आपको खुद प्रयत्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। हार नहीं मानना है, आप कोशिश कीजिए, सफलता मिलेगी, कॉन्फिडेंस पर विजय पाने की सफलता मिलेगी। तो आप सभी से मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो सबसे पहले उस पर काम कीजिए, उसे बढ़ाइए। क्योंकि अगर मैं अपना अनुभव शेयर करूँ, अपने क्लिनिक का अनुभव शेयर करूँ, 50% लोग ऐसे आते हैं जिनमें कोई भी शारीरिक कमी नहीं होती है, उनमें सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बहुत सारे ऐसे जोड़े आते हैं जो संबंध नहीं बना पा रहे होते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बहुत सारे लोग आते हैं, अपने माँ बाप के साथ आते हैं कि ये शादी नहीं कर रहा है, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो अपना जीवन खराब कर रहे हैं, उन्हें शारीरिक रूप से कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ एक मानसिक रूप से कमी है। उनको लगता है कि वो संबंध नहीं बना पाएंगे, उनमें वो आत्मविश्वास ही नहीं है कि वो संबंध बना पाएंगे। अगर वो चाहें तो वो इस कमी को दूर कर सकते हैं, चाहे मेडिटेशन करके, चाहे योगा करके, चाहे अच्छे विचारों की संगत में रह के।
अपने कॉन्फिडेंस को जो उनको तरीका लगता है, चाहे सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा जो तरीका उनको लगता है जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, अगर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। उन्हें शारीरिक रूप से कोई भी यौन समस्या नहीं है, कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको लगता है कि दवाई खाने से भी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है तो वो किसी भी चिकित्सक की सहायता ले सकता है। व्यक्ति का एक नज़रिया बदल जाता है, उसको लगने लगता है कि उसके शरीर में कमी हो गई है, और अगर उसे लगता है कि दवाई खाने से उसकी शरीर की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है तो वो दवाई भी खा सकता है, मगर बिना किसी चिकित्सा सलाह से दवाई ना लें। इसमें चिकित्सा सलाह ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बीमारी का कारण पता ना हो आपको खुद दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए जो भी कारण हैं जिनके कारण आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है, आप उनको अपने से दूर कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को अप्रोच कीजिए, अच्छे लोगों के साथ जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है, उन्हें ट्राई कीजिए। जिन चीज़ों से आपको लगता है कि इनसे आपको डर लग रहा है या आप नहीं कर पाएंगे, आप उन चीज़ों को करना शुरू कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी जो समस्या है उसका 100% समाधान आपको खुद ही मिल जाएगा। मैं गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ, और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की समस्या है तो अगर आप आसपास रहते हैं तो आप आके मेरे क्लिनिक पर मिल सकते हैं। अगर आप आने में असक्षम हैं या दूरी ज़्यादा है तो आप फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, आपको सुझाव दे दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी औषधि की ज़रूरत है जो मेरे द्वारा बताई गई है, अगर आपको नहीं मिलती है, आपके आसपास नहीं मिलती है, तो हमारे यहाँ कोरियर की भी फैसिलिटी है, आपके घर तक हम दवाई भी पहुँचाते हैं। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी से लाभ हो रहा है, या आपको लगता है कि ये जानकारी आपके सुझाव के लिए बहुत अच्छी है, या आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई और सवाल है तो वो भी आप जानकारी मांग सकते हैं। अगर मेरी बताई हुई बात से आप प्रसन्न हैं या संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।